नमस्कार, मुँ सौभाग्य महांती, राज्य संपादक अखिल भारत विद्यार्थी परिषद ओडिशा। देखंतु अखिल भारत विद्यार्थी परिषद द्वारा राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक सिमला हिमाचल प्रदेश में अनुष्ठित हो बैठक रे सारा देश 400 ऊर्ध प्रतिनिधि माने उपस्थित थिले एवं ओडिशा रु 10 जन प्रतिनिधि उपस्थित थिले। एही बैठक रे मुख्य अतिथि भाव अखिल भारतीय शिक्षा परिषद अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल सहस्रबुद्धे उपस्थित थिले और नागरिक संवर्धन रे हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर उपस्थित थिले। एही बैठक रे अखिल भारत विद्यार्थी परिषद 4 प्रस्ताव और आगामी कार्यक्रम पाई योजना होती 4 प्रस्ताव रे शिक्षा क्षेत्र में राज्य सरकार को अनैतिक हस्तक्षेप बंद करा जाऊ, राष्ट्रीय शिक्षा राष्ट्रीय परिदृश्य रे विषय जमी आम बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी जमी आम देखा जे महिला सुरक्षा एवं निशा भाव में देश में बढ़ी चलती से विषय राष्ट्रीय परिदृश्य आलोचना होता। तापर राष्ट्रीय शिक्षा नीति रे जो भाई भाव छात्र केन्द्रित छात्र केन्द्रित एवं छात्राभिमुखी राष्ट्रीय शिक्षा नीति केमी लागू हो पार से विद्यार्थी परिषद यही आमर 4 प्रस्ताव पारित हो सहित आमर भारत स्वावलंबी भारत जो भाव युवक वर्ग कौन भूमिका रहा दरकार से प्रति यह 4 प्रस्ताव पारित हो एवं आगामी कार्यक्रम रे विद्यार्थी परिषद फोकस अच्छी आम देखुवा परिवेश जो भाव दूषित होती आज आम राजधानी रे हाहाकार पड़ जाइए जो भाव पवन पर लोक मैंने छटपट होती तेणु यही समय रे विद्यार्थी परिषद तरफ एक कोटि वृक्षरोपण सारा देश में एक अभियान आरंभ हो वृक्ष मित्र ना ओडिशा रे 1 लक्ष कार्यकर्ता 1 लक्ष वृक्षरोपण करिवे बोली एक सुंदर योजना एवं जो भाव रक्तर हाहाकार पड़ी समस्त रक्तर आवश्यकता पड़ी 1 कोटि रक्तदाता सूची सारा भारत वर्ष प्रस्तुति हेबो एवं ता भितर ओडिशा पखापाखि 20,000 रक्तदाता सूची ओडिशा एबीवी तरफ आरंभ हो योजना हो जाए जे से सूची केमी तैयार से भावे देखा गले आम जो कार्यक्रम अच्छी अखिल भारत विद्यार्थी परिषद कॉलेज कैंपस भावे कॉलेज इलेक्शन को नहीं दीर्घ 4 वर्ष हेबो राज्य सरकार जो भाव कौन ना कौन आलाप देखे कॉलेज इलेक्शन को बंद कर देउछंती। आम देखा आसाम हो मध्यप्रदेश होरियाना हो सब जगार कॉलेज इलेक्शन किंतु दुखर विषय जे राज्य सरकार ओडिशार छात्र छात्री स्वर को दबे देवाई कॉलेज इलेक्शन बंद कर दे कॉलेज इलेक्शन हो विद्यार्थी परिषद यह वर्ष दाबी और सेल्फी विथ कैंपस माध्यम सारा राज्य रे समस्त कैंपस रे पहुँचापी विद्यार्थी परिषद एक बड़ योजना अच्छी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यही थोर 75 वर्ष जेहेतु पुरुची ये 75 वर्ष यही बड़ बड़ कार्यक्रम यही बड़ बड़ अभियान विद्यार्थी परिषद नहीं आगामी दिन में यही कार्य करने विद्यार्थी परिषद तरफ एक स्वतंत्र योजना होती। देखूँ जो भाव आम देखा स्वाधीनतार 75 वर्ष पूरी सारी आज एमती अनेक गाँ अच्छी जो गाँव स्कूल ना अंगनवाड़ी केन्द्र ना जो से गाँव में केवे भी जातीय पता उड़ी ना और गाँव साधारण लोक जातीय पता तले ढड़ा ही ना तेणु अखिल भारत विद्यार्थी परिषद यही थर सारा देश एक निष्पत्ति नहीं पखापाखि मानने 2 लक्ष गाँव में विद्यार्थी परिषद पहुँच 2 लक्ष कार्यकर्ता से गाँव में पहुँचे समस्त कार्यकर्ता समस्त गाँव साधारण लोक मान विद्यार्थी परिषद स्वाधीनतार 75 वर्ष उपलक्षे यही एक कार्यक्रम नहीं जोटी मैंने केवे भी से गाँव लोक तिरंगा केवे उड़ू थार तिरंगा को केवे अनुभव करना तेणु विद्यार्थी परिषद एथिपाई स्वाधीनतार 75 वर्ष उपलक्षे यही एक कार्यक्रम हाथ को नहीं देखूँ सरकार कहार भी हो सरकार किए भी हूँ ना कहीं सरकार किए भी शासन करूँ कहीं आम देश जो भाव सबुठू मानने पपुलेसन देखा द्वितीय सर्वबृहत पपुलेसन आम देश सर्वप्रथम अच्छी तेणु जदि कौन सरकार आसिले देश के परिवर्तन हो पारे और केवे भी देशर लोक मैंने स्वाधीनतार जो 75 वर्ष अच्छी केवे भी से ही भाव स्वाधीनता है हठात किसी विषय हो पारे से साधारण जड़े स्टूडेंट चाहवा दरकार जो देश स्वाधीन है मो गाँव के तिरंगा साधारण लोक मैंने तार अनुभव ने कौन सरकार आसिले केवे परिवर्तन हुए नहीं परिवर्तन समाज द्वारा साधारण लोक मान द्वारा हुए तेणु विद्यार्थी परिषद यह एक बृहत बड़ अभियान जो 2 लक्ष गाँव में पहुँचिकी ये 75 वर्ष स्वाधीनता उपलक्षे 2 लक्ष गाँव में तिरंगा उड़ाई प्रयास रहा। देखो भुवनेश्वर में अखिल भारत विद्यार्थी परिषद तरफ भुवनेश्वर में यहाँ किसी योजना निजाऊँगी पाखापाखि जो 2,000 कार्यकर्ता आम अच्छा समस्ते कार्यकर्ता जून 5 जो पर्यवेक्षण दिवस आसूसी से पर्यावरण दिवस जून 5 पाखु आम एक रजिस्ट्रेसन आरंभ हो वृक्ष मित्र ना
ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ମିତ୍ର ନାଁରେ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା 10 ଜଣ ସାଧାରଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବେ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ 2000 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବିଭିପିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ 10-10 ଜଣଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଲା ପରେ ସେମାନେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଗାଁରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ଜଙ୍ଗଲ ହେଉ ଏମିତି କିଛି ଜଙ୍ଗଲ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି କିଛି ଯୋଜନା ହୋଇଛି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଗଛ ନୁହେଁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ହୋଇଛି।